अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शोजी टेक। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने X8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल के साथ किस तरह से पेयर करना है और एप्लीकेशन के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है और कॉल की सेटिंग किस तरह से करनी है। इसमें काफ़ी सारे लोगों को ये इशू आ रहा है X8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच और बाकी अल्ट्रा स्मार्ट वॉचेज़ में कि वो कॉल वाला जो फीचर है वो यूज़ नहीं कर पा रहे, कॉल अटेंड नहीं कर पाते, डायल नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको बड़े ईजी वे में समझाने लगूँ कि आपने किस तरह से कॉल वाली जो सेटिंग है वो करनी है किसी भी अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में, या आपने अपने मोबाइल के साथ उसे किस तरह से कनेक्ट करना है। वीडियो आपने अंत तक ज़रूर देखनी है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले। आपने करना यह है कि सबसे पहले तो आपने इसकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करनी है, वेयरफिट प्रो। ये QR कोड भी दिया गया एप्लीकेशन का, ये भी स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने प्ले स्टोर या आईफोन के आई स्टोर पर जाके आप वेयरफिट प्रो लिखेंगे और इसे सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन शो हो जाएगी वेयरफिट प्रो। यह आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। ये देखें, इधर से आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और ये देखें, ये अब परमिशंस वगैरह मांग रहा है, ये आपने एग्री करना है। इधर आपने जो है वो कैंसिल नहीं करना, अगर कैंसिल करेंगे तो परमिशन अलाउ नहीं होगी और कनेक्ट नहीं होगी। इधर से भी आई नो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और अब इधर वो कह रहा है कि अपना जो अकाउंट है वो रजिस्टर करें। इधर से मैं इसे एग्री करके नीचे जीमेल का ऑप्शन है, जीमेल के थ्रू भी अकाउंट जो है वो मैं लॉगिन कर सकता हूँ, या फिर ऊपर रजिस्टर का ऑप्शन है, इधर से मैनुअल भी कर सकता हूँ। मैं जीमेल के थ्रू रजिस्टर करने लगा हूँ और अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और उसे सिलेक्ट कर लूँगा और इस तरह करके ये जो मेरा जीमेल का अकाउंट है ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। ये कुछ स्टेप्स वगैरह इन्हें नेक्स्ट कर देना है और इधर वो फिज़िकल एक्टिविटी अलाउ करने को कह रहा है, ये अलाउ कर देनी है। इधर मीडिया अलाउ करने को कह रहा है, ये अलाउ कर दें या ना भी अलाउ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर लोकेशन अलाउ करने को कह रहा है, लोकेशन आपने अलाउ करनी है। अलाउ ऑल द टाइम भी कर सकते हैं और नीचे वाला जो ऑप्शन है अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, अब एप्लीकेशन का जो होम पेज है वो हमें शो हो गया। इधर नीचे डिवाइस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है आपने। अब ये नीचे कह रहा है कि अपना जो ब्लूटूथ है वो ऑन कर लें, इसे हमने अलाउ कर देना है। जैसे ही इसे हम अलाउ करेंगे तो हमारा जो मोबाइल का ब्लूटूथ है वो ऑन हो जाएगा। ये देखें, मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन हो गया और अब हमने दोबारा ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। अब इधर वो सर्च कर रहा है स्मार्ट वॉच को, ये देखें इधर स्मार्ट वॉच शो हो गया, इसे हमने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये पेयरिंग हो रही है स्मार्ट वॉच की। इधर अब थोड़ा सा टाइम लगेगा और स्मार्ट वॉच पेयर हो जाएगी। ये देखें, पेयर हो चुकी है। ऊपर अब वो कह रहा है कि ब्लूटूथ के साथ भी इसे कनेक्ट करें और पेयर करें, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इधर से हम ब्लूटूथ के साथ इसे पेयर कर देंगे। ये देखें, ब्लूटूथ के साथ हमने पेयर कर दिया। अब ऊपर ब्लूटूथ में देखते हैं, ये देखें X8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अभी नीचे कैरी आउट के ऊपर हमने क्लिक करना है और उसके बाद मैसेज नोटिफिकेशन ऑन करने को कह रहा है, ये हमने टर्न ऑन कर लेने हैं ताकि हमें स्मार्ट वॉच में मैसेजेस वगैरह शो हों एप्लीकेशंस के। ये देखें, इधर से जाके हमने एप्लीकेशन फाइंड करनी है वेयरफिट प्रो, ये देखें नीचे आ रही है, ये नोट अलाउड लिखा हुआ है, इसे हमने अलाउ कर देना इधर से। ये देखें, इधर 10 सेकंड का वो टाइम दे रहा है, उसके बाद हमने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे होगा ये कि जो एप्लीकेशंस के हमें नोटिफिकेशन वगैरह मोबाइल के ऊपर रिसीव होते हैं वो हमें वॉच के ऊपर भी शो होंगे। ये देखें, अब हमने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, ये अब नोटिफिकेशन वगैरह अलाउ हो गए हैं और इधर भी अलाउ लिखा आ रहा है। उसके बाद हमने दोबारा वापस आना है और इधर वो कह रहा है, द नोटिफिकेशन मैसेज हैज़ बीन एनेबल्ड एंड द वेयरेबल डिवाइस कैन एक्सेप्ट द मैसेज। इधर हमने आई नो के ऊपर क्लिक कर देना है और इधर से अब वो कॉल सेटिंग अलाउ करने को कह रहा है, ये भी हमने अलाउ करनी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स असेस मांग रहा है, ये भी अलाउ करनी है। अगर ये चीज़ें अलाउ हम नहीं करेंगे तो कॉल अटेंड नहीं होगी। इधर मैनेज फ़ोन कॉल की सेटिंग वो अलाउ करने को कह रहा है, ये भी अलाउ करनी है। मैसेज सेटिंग अलाउ करने को कह रहा है, ये भी करनी है। और इधर अब देखें, ये जो एप्लीकेशन हमें शो हो रही हैं इन सब के हमें नोटिफिकेशन वगैरह और अलर्ट्स वगैरह शो होंगे वॉच के ऊपर। ये देखें, इसे अगर मैं ऑफ़ करूँगा तो मुझे वॉच के ऊपर कॉल वगैरह शो नहीं होगी, इसलिए ये सारे ऑप्शन आपने ऑन रखने हैं और कैरी आउट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको हमने आई नो के ऊपर क्लिक कर देना है और इधर ये चाहे आप कैंसिल कर दें। और अब ये देखें, स्मार्ट वॉच हमारी जो है वो कनेक्ट हो चुकी है, इसमें नोटिफिकेशन वगैरह हम रिसीव कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह हमें शो होंगे, लेकिन अभी हम इसमें कॉल वगैरह अटेंड नहीं कर सकते, ना ही डायल कर सकते हैं। कनेक्ट तो हो चुकी है लेकिन कॉल वगैरह डायल नहीं कर सकते, उसकी अभी सेटिंग हमने करनी है। ये देखें, कॉल वाली सेटिंग में जाके मैं डायलर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, वो कह रहा है प्लीज़ पेयर वॉच कॉल। ये देखें, प्लीज़ पेयर वॉच कॉल, मतलब वॉच को अभी कॉल को हमने पेयर करना है मोबाइल के साथ। वो किस तरह से पेयर करना है उसका तरीका भी आपको मैं बताता हूँ।
वॉच तो कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन कॉल को अभी हमने पेयर करना है। कॉल वाली सेटिंग किस तरह से ऑन करनी है X8 अल्ट्रा में, वो भी बहुत इजी तरीका है आपको मैं बताने लगूँ। आपने वॉच को स्लाइड डाउन करना है इधर से, और ये देखें ये एक ऑप्शन शो हो रहा है, ये एक्चुअली वॉच का ब्लूटूथ है, ये आपने ऑन करना है। ये देखें ब्लूटूथ ऑन हो गया। अब आपने करना यह है कि जो मोबाइल का ब्लूटूथ है उसके अंदर आपने जाना है। अब आपने इधर गौर से देखना है, ये देखें X8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच कनेक्ट हुई हुई है, लेकिन वॉच कॉल कनेक्ट नहीं हुई है। देखें नीचे ये जब हम वॉच में से हम ये ऑप्शन ऑन करेंगे ना ये वाला, तब हमें वॉच कॉल वाला ऑप्शन ब्लूटूथ में शो होगा मोबाइल में। ये देखें अब इसे मैंने पेयर किया है, और इधर से इसे अलाउ करके और नीचे पेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, और अब ये जो वॉच कॉल है, ये मतलब जो स्मार्ट वॉच की कॉल सेटिंग है, वो ऑन हो गई है ब्लूटूथ में से। ये देखें ये साइड पर आपको एक आइकन शो हो रहा है, इसे आपने क्लिक करना है। ये देखें इधर आपको चार ऑप्शन शो हो रहे हैं, फ़ोन कॉल, मीडिया ऑडियो इनपुट डिवाइस और कॉन्टैक्ट शेयरिंग। ये चारों ऑप्शन आपने ऑन करने हैं। ये चारों ऑप्शन ऑन हो जाएंगे उसके बाद आप जो कॉल वाला फीचर है वो यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट वॉच में। ये देखें इधर से अब दोबारा हम इसके जो डायल में उधर जाके डायल करके देखते हैं। ये देखें अब आप वॉच में से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, और अगर किसी की कॉल आ रही होगी वो भी आपको वॉच में शो होगी, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। ये देखें इधर मैंने शोजी स्टोर का नंबर लिखा है, और इस नंबर के ऊपर कॉल करके आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से कॉल जाएगी। ये देखें इसके ऊपर मैं कॉल कर रहा हूँ, और इसमें से अब कॉल जा रही है स्मार्ट वॉच में से। ये देखें अब देखें मेरे पास बैलेंस नहीं है तो वो शो करवा रही है, लेकिन दिखाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि ये देखें इस तरह से कॉल आपकी जा रही होगी और स्पीकर में से आवाज़ आ रही है। ये देखें और इसी तरह जब आपको किसी की कॉल आएगी वो भी आपको इधर शो होगी, आप वॉच में से ही उस कॉल को मतलब कॉल सुन सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं कॉल को। इसके माइक और स्पीकर की आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। कॉल इधर से मैंने एंड कर दिया है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपने वॉच कॉल वाला जो ऑप्शन है ना ये ऑन करना है, और फिर ही आपको कॉल वगैरह रिसीव होगी। ये ऑप्शन ऑन नहीं होगा, ब्लूटूथ के साथ पेयर नहीं होगा, तो फिर आपको कॉल वगैरह रिसीव नहीं होगी, ना ही आप डायल कर सकते हैं। अब देखें कॉन्टैक्ट्स में भी उसने कह दिया कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह। उसके अलावा रिसेंट कॉल में ये देखें अभी जो कॉल मैंने की है वो शो हो रही है। अच्छा इधर एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि जो व्हाट्सएप वाली कॉल है वो हमें वॉच के अंदर शो होती है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। ये देखें अपने दूसरे व्हाट्सएप के ऊपर मैंने कॉल किया, और देखते हैं वॉच में ये शो होती है या नहीं। देखें वॉच के अंदर व्हाट्सएप वाली जो कॉल है वो आपको शो नहीं होगी, ना ही वो आप रिसीव कर सकते हैं। वॉच के अंदर जस्ट जो सिम वाली कॉल है वो आप रिसीव कर सकते हैं या डायल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के आपको मैसेजेस वगैरह सारे शो होंगे, जो भी आपको मैसेजेस आ रहे होंगे मोबाइल के ऊपर वो इधर वॉच में भी आपको शो होंगे। ये देखें ये मैसेजेस वगैरह अभी मुझे आए हैं, और ये मुझे शो हो रहे हैं वॉच के ऊपर व्हाट्सएप वाले, इन्हें मैं ओपन करके भी देख सकता हूँ, लेकिन आप इन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट इन्हें आप रीड कर सकते हैं। अच्छा आखिरी पॉइंट हमारा रह गया कि किस तरह से वॉच फेस चेंज करना है X8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में। इसकी एप्लीकेशन के साथ हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है, और ये देखें हमें काफ़ी सारे वॉच फेसेस शो हो रहे हैं। इसमें कुछ वॉच फेसेस ऐसे हैं जो परचेज़ करने पड़ेंगे, उनके नीचे प्राइस लिखी हुई है, लेकिन ज़्यादातर फ्री हैं। हम जो है ये वाला वॉच फेस लगा के देख लेते हैं। ये देखें डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और वॉच फेस हमारा चेंज हो जाएगा। ये देखें वॉच फेस लग गया स्मार्ट वॉच के ऊपर। इस तरह से आप एप्लीकेशन में जितने भी वॉच फेसेस हैं ना, जो प्राइस के बगैर है, मींस के जो फ्री वाले वॉच फेसेस हैं, उनमें से आप कोई सा भी वॉच फेस जो है वो लगा सकते हैं अपनी स्मार्ट वॉच के ऊपर वॉच फेस की जगह। लेकिन आप गैलरी में से कोई सी भी पिक्चर इसके ऊपर नहीं लगा सकते, उसका ऑप्शन अभी एप्लीकेशन में नहीं है। हो सकता है वो एप्लीकेशन को अपडेट करें, तो जब अपडेट करेंगे हो सकता है वो उसमें ऑप्शन कस्टम वॉच फेसेस का डाल दें, और हम गैलरी में से कोई पिक्चर तब लगा सकें। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को सारी समझ लगी होगी कि X8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच को किस तरह से वेयरफिट प्रो एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है, किस तरह से इसकी कॉल की सेटिंग करनी है, और वॉच फेसेस किस तरह से चेंज करने हैं। हर चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई है। अगर फिर भी किसी जगह पे आपको इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। और अगर आप कोई से भी अल्ट्रा स्मार्ट वॉच कम प्राइस में बाय करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप शोजी स्टोर से जाके बाय कर सकते हैं, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको मज़ीद भी स्मार्ट वॉचेस के बारे में वीडियोस वगैरह देखने को मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।